गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन की कोई संतान ना थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाहत में वे सदैव चिंतित रहा करते थे। संतान प्राप्ति की चाहत में ही उन्होंने दो विवाह किए थे। राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का नाम प्रजावती था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। राजा शुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था से वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ने लगे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य भी करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख ना मिल सका। समय बीतने के साथ साथ राजा की उम्मीद भी खत्म होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे भाग्य के देवता राजा शुद्धोधन से क्रोधित होकर बैठे हैं। तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा भी कोई रंग ना ला सकी थी। अब राजा की चिंता और गहरी चिंता में बदलने लगी थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी ना होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक ही प्रतीत होता था। निसंतान होने का दुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं, रानी महामाया और रानी प्रजावती को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में ना था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है कि रानी महामाया रात्रि काल में अपने इष्ट देव का स्मरण कर सैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का ताता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देकर गायब होते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि चार यक्ष, जिनके मुखमंडल तेज से चमक रहे थे, उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक ओर उड़ चले। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे, उसमें बड़ी ही मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वोन्नत पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहाँ एक बहुत ही सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा ही आत्मिक सुख मिला। रानी महामाया का तन मन प्रसन्नता से झूम रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहां एक एक कर प्रकट हुईं। अप्सराओं ने शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। देवी, एक अप्सरा रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो चुका है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ ना बोली, उठकर उनके साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभामान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मलमल कर स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी हो गई। इस दिव्य जल के स्नान से रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान ही सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप सौंदर्य को निहार रही थी। दिव्य जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कामनीय और सुंदर हो गई थी। शरीर पर पड़ी झुर्रियाँ भी पूरी तरह से मिट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो रानी के जवानी के दिन वापस आ गए हों। रानी फिर से एक बार जवान सी लग रही थी। उनका मन एकदम मुदित और शांत था। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। इसके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमर महल में ले गईं। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरे भोजन की थाल लेकर प्रकट हुई। उस भोजन से स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने उस भोजन को रानी के समक्ष प्रस्तुत किया। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उसका तनमन आनंदित हो उठा। दिव्य भोजन खिलाने के बाद अप्सराएं रानी को महल के दूसरे कक्ष में ले गईं। उस कक्ष में एक पुष्प सेज सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पर रानी पुष्प सज्जित सेज पर विश्राम करने लगी। उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण शैल और उस पर मंडराता सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट आता हुआ प्रतीत हुआ। हाथी ने कमल के पुष्प से रानी के दाएं अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर छोटा और छोटा होता हुआ एकदम बहुत छोटा हो गया और एकाएक रानी के गर्भ में जाकर समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आँख खोल दी।
अब रानी को पता चला कि वह स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था, आँख खुलते ही जिसका समापन हो गया था। जब राज ज्योतिषी ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा, जो तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। राज ज्योतिषी की घोषणा ने जैसे राजा रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया था। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा था। ज्यों ज्यों रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों त्यों राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण होने को था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता के घर पर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि वे अपने प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सके। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूलमालाओं और मोती मणियों से सुसज्जित किया गया। उस रथ में रानी के साथ उनकी प्रिय दासियाँ और परिचारिकाएँ भी बैठी थी। रथ के आगे आगे 6 घोड़ों पर सवार योद्धा सैनिक चले और इसी प्रकार पीछे भी घुड़सवार सैनिक चले। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ता जा रहा था कि लुम्बिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचारिकाओं के कहने पर रथ को लुम्बिनी वन में ही एक उचित स्थान देखकर रोक दिया गया। बैसाख मास की पूर्णिमा थी, आसमान पर पूर्ण चांद चमक रहा था। लुम्बिनी वन का कोना कोना जैसे पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरिमा के साथ शोभायमान हो रहा था। इस बैसाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुम्बिनी वन में एक महान घटना के घटने की प्रतीक्षा थी, और प्रतीक्षा की घड़ियाँ धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। यह घटना ईसा से लगभग 564 वर्ष पूर्व की है, यानी कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी, और परिचारिकाएं उनका तरह तरह से ध्यान रख रही थी। प्राकृत द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती की खुशी की सीमा ना रही। पूरा राजमहल विभिन्न प्रकार के मोतियों, मणियों और दीपमालाओं से सजा दिया गया। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान देना प्रारंभ कर दिया। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुम्बिनी वन से कपिलवस्तु बुला लिया। राजमहल में उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया गया। एक दिन आसित ऋषि दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने ऋषि का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजन, आसित ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्ज्वल प्रतीत होता है, आपकी कृपा का फल है। ऋषिदेव, राजा शुद्धोधन सिर झुकाकर बोले, आप कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। राजन, यह शिशु आगे चलकर आपके शाक्य वंश का नाम विश्वभर में फैला देगा, और किसी के आशीर्वाद की नहीं बल्कि संसार को इसके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। इतना कहकर आसित ऋषि ने बालक के सर पर हाथ रख दिया।